हेलो दोस्तों, टेजरोक चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेनोवो 600 ब्लूटूथ साइलेंट माउस का अनबॉक्सिंग बताने वाला हूँ और उसका रिव्यू बताने वाला हूँ। बेसिकली ये लेनोवो का है और 1600-1700 का है। इसमें एमआरपी देखेगी तो कुछ 2800 का है। तो ऐसे ही ये पैकिंग में आया था, मैं देखता हूँ ओपन करके। तो ये है माउस, वाओ एकदम स्लिम है, हल्का सा है। अगर आपको ये खरीदना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन का, वहां पे जाके आप बाई कर सकते हैं। और क्या है, सेल है। और क्या है, ये यूजर मैनुअल है, सर्विस सपोर्ट वारंटी, ये कुछ काम करनी है। अच्छा, ये सब कैसे क्या यूज करना है, ठीक है मैं बता दूंगा कैसे क्या यूज करना है। तो सबसे पहले इसको है ना, यहाँ पे बॉडी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइट होता है, ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे इसको यहाँ सेल डाल देना है, सेल डाल दिया, हो गया। और यहाँ पे है ना दो ब्लूटूथ है, मतलब एक माउस दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग को फर्स्ट वाले से कनेक्ट करना है तो ये, फिर सेकेंड वाला से कनेक्ट करना है तो ये, मतलब एक साथ दो दो भी कनेक्ट कर सकते हैं। एट अ टाइम नहीं, मतलब स्विच कर सकते हैं वैसा। अगर आपके पास दो लैपटॉप है तो वैसा कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑन किया, ये DPI चेंज करने के लिए बटन है दिया हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा यूज में नहीं है। अभी मैं लैपटॉप निकालता हूँ। तो ये है लैपटॉप, तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, राइट क्लिक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।